हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। और आज की जो वीडियो है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हुडेड आईज के लिए मेकअप बताइए, जिससे कि हम अपनी आईज को बड़ा दिखा सके मेकअप से। तो बस ये आज की वीडियो उन्हीं के लिए है जिनकी हुडेड आईज है। आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर दें। और अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें हुडेड आईज के लिए किस तरह का मेकअप करना है। छोटी आंखें यानी कि हुडेड आईज, जिनकी कुछ इस तरह से होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसी आंखों वालों के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूं। और आप इसे कैसे मेकअप की टेक्निक से बड़ा दिखा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम अपनी आईज को ओपन करते हैं, जैसा कि मैंने इस वक्त अपनी आईज को ओपन किया है, और जो ये हमारी क्रीज लाइन बनती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो हमारी जो क्रीज लाइन होती है और आईब्रोज के बीच में जो गैप होता है, काफी लोगों का बहुत ज्यादा गैप होता है, यानी कि बड़ी आईज होती है, और कुछ लोगों का वो कम होता है जो गैप, तो उन्हें हुडेड आईज कहते हैं। आपकी आईब्रोज की और इस आईलिड के बीच में आप देख सकते हैं जो गैप थोड़ा होता है, तो उनकी हुडेड आईज होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं जो आई शेडो लगाऊंगी वो हमें इस क्रीज लाइन के जस्ट ऊपर लगाना है, ताकि एक इल्यूजन क्रिएट हो जिससे कि हमारी आईज बड़ी दिखे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी आईज पर कंसीलर को लगाऊंगी। और कंसीलर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आपकी आंखें छोटी हों या बड़ी हों, क्योंकि कंसीलर से हमारा जो एक आई शेडो लगाने से पहले एक क्लीन कैनवास तैयार हो जाता है, जिसे आप अपने आई शेडो को अच्छे से और इजिली ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई सा भी कंसीलर ले सकते हैं, आपको जो भी सूट करता है, आपको जो भी पसंद हो उस हिसाब से आप कंसीलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये पेनस्टिक कंसीलर है या फाउंडेशन, 2-in-1 है ये। और इसे मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईज पर लगा लूंगी, आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहां पर कर रही हूं अपनी आईब्रोज को सेट अच्छे से, ताकि मेरा जो ध्यान आईब्रोज पर ना जाए और मैं आई शेडो को ब्लेंड करने में कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। तो मैं यहां पर एक इस पेंसिल की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। और आप एक और तरीके से भी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से उठाकर, इससे भी आपकी आईज जो है बड़ी दिखती है। फर्क आप देख सकते हैं। और मैं आपको अपनी एक ही आईज का मेकअप करके दिखाऊंगी, ताकि आप बिफोर एंड आफ्टर में फर्क देख पाएं। तो ये देखिए, मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है और मैंने कंसीलर लगाया था, तो मैं यहां पर कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी। ये देखिए, मैंने सेट कर लिया अच्छे से। जब भी हम हुडेड आईज का मेकअप करते हैं तो हमें खासतौर से शेड्स का ध्यान रखना होता है, और ज्यादातर हमें लाइट शेड लगाने चाहिए ताकि उससे हमारी आईज बड़ी दिखे। तो मैं यहां पर ये लाइट ऑरेंज सा कलर ले रही हूं। और आपने जस्ट जहां आपकी आईज ओपन होती है उसके ऊपर आपने ये शेड लगाना है। तो मैं हल्का सा इसे मार्क कर लिया है मैंने। अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी इसे लगाकर। आप देख सकते हैं, और इस तरह से करने से आपका एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि आपकी आईज बड़ी दिख रही हैं। तो आप देख सकते हैं। और अब हमें अपनी इसी क्रीज लाइन पर, जहां पे मेरी आईज ओपन हो रही है, यहां पर मैं ये ब्राउन कलर का शेड लगा रही हूं। अच्छे से इसे ब्लेंड कर लीजिए। आपने इसे आउटर वी और इनर कॉर्नर तक लेकर जाना है आईज के। और अब जो मैंने पहले शेड लगाया था उसी के साथ मैं इस ब्राउन कलर को अच्छे से मिक्स कर ब्लेंड कर लूंगी। और
और अब आप देख सकते हैं मैंने आई शेडो अच्छे से लगा लिया है। नेक्स्ट मेरा जो स्टेप है वो ये है कि मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से अपनी आईज पर कंसीलर लगाऊंगी, यही वाला। आप चाहें तो जो आई शेडो आपकी आईलिड पर एक्स्ट्रा लगा हुआ था उसे क्लीन कर सकते हैं मिसेलर वाटर की हेल्प से, और चाहें तो आप डायरेक्ट कंसीलर भी लगा सकते हैं, और मैं इसे अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूंगी। और मैंने कंसीलर इसलिए लगाया है ताकि मैं यहाँ पर अब शिमर आई शेडो जो लगाऊंगी वो अच्छे से स्टिक हो जाए मेरी आईज पर, और जिससे मेरी आईज का जो एरिया है वो भी और बड़ा दिखे, आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो हमें ये कंसीलर लगाना है वो जहां हमारी आउटर वी होता है आईज का, यहां पर सिर्फ यहां तक लगाना है, सेमी सर्कल बनाते हुए लगाना है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहां पर लगा रही हूं गोल्डन शेड है मार्स आई शेडो पैलेट से, ये शिमर आई शेडो है। तो ये देखिए मैंने आई शेडो लगा लिया है, अब मैं लगा लूंगी मस्कारा। नेक्स्ट में वही ब्राउन शेड जो कि मैंने अपनी आईलिड पर लगाया था उसे मैं अपनी आईज के नीचे लगा लूंगी, यानी कि लोअर लैश लाइन पर। हल्का सा इसे ब्लेंड करते हुए लगा लेंगे। हाइलाइटर भी जरूर लगाएं, इससे भी आपकी आईज ज्यादा ओपन अप दिखती हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा मेकअप डन हो चुका है, और बिफोर एंड आफ्टर में आप फर्क देख पाएंगे आई होप। तो ये देखिए मैंने ऑफ कैमरा अपनी दूसरी आईज का मेकअप भी कर लिया है, और मैंने ये ऑफ कैमरा इसलिए किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है अदरवाइज। और अब मैं यहां पर लगा रही हूं मैक का आईलाइनर, मैंने सोचा मैं आपको आईलाइनर भी लगाकर दिखा देती हूं। आईलाइनर लगाने से भी आपकी आईज में बहुत अच्छा लुक आएगा। कोशिश कीजिए कि आप विंग्ड आईलाइनर लगाएं क्योंकि इससे भी हमारी आईज जो है बड़ी दिखती है। तो ये देखिए मैंने लाइनर भी लगा लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली कैसा भी लाइनर लगा सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो ये हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।